Praise the Lord and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. और आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं. The listeners of this daily devotion, may the Lord's blessing be upon you. और वे सब जो इस प्रतिदिन के मनन को सुनते हैं, होने दे परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो. We are now looking into Paul's letter to Thessalonians. और इस हफ्ते में हम अपने मनन में पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री को देख रहे हैं जो पौलुस प्रेरित ने उस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखी. So in our first meditation on Tuesday, we read chapter 1 verses 5 to 10. और हमारे पहले मनन में जो हमने इस मंगलवार में इस हफ्ते को किया था, हमने पहला अध्याय उसके पांचवें वचन से लेकर दसवें वचन तक पढ़ा. I hope you have your Bibles with you. और मुझे पूरी आशा है कि आपका बाइबल आप सबके पास है. And I advise, I exhort you to keep the Bible and you can refer it to. और मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप अपने बाइबल्स अपने पास रखिए ताकि आप उन वचनों से होकर निकल आप पढ़ सके. And so what we thought, what we considered on Tuesday, और मंगलवार को जिस विषय में हमने मनन किया था, was Apostle Paul's statement how the gospel came to the Thessalonians. पौलुस प्रेरित का वो वाभाग वचन का जब वो कहता है कि कैसे सुसमाचार को थिस्सलुनीकियों की नगर में पहुंचा. Our gospel came to you. हमारा सुसमाचार तुम तक आया. And you welcomed the message. तुमने उस संदेश का स्वागत किया. And the gospel rang out from you. और वो सुसमाचार तुमसे फैलता चला गया. And so our gospel came to you. How? हमारा सुसमाचार तुम तक कैसे आया? That is what we are considering. हम उसी बात को लेकर मनन कर रहे हैं. Number one, पहली बात, it came in words. वो शब्दों में आया. Not only with words, ना केवल शब्दों के साथ लेकिन शब्दों में आया. And then secondly, और दूसरी बात, the gospel came to you also with power. कि ये सुसमाचार तुम्हारे पास सामर्थ्य के साथ आया. Remember, the word is the Spirit's sword. याद रखिए, वचन आत्मा का तलवार है. And only the Holy Spirit can penetrate our mind, heart, conscience, and will. और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमारे भीतरी मन, व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और भावनाओं को भेद सकता है. So the Spirit without the word is weaponless. और याद रखिए, वो आत्मा जिसके पास वचन नहीं, वो शस्त्रहीन है. Because the word is the Spirit's sword. क्योंकि वचन ही आत्मा का तलवार है. And the word without the Spirit is powerless. और वो वचन जिसके पास आत्मा नहीं, वो सामर्थ्यहीन है. So thirdly, तीसरी बात, and this is our today's meditation. और इसी पर हम आज के दिन आगे बढ़ते हुए तीसरी बात पर बात करें. The gospel came to the Thessalonians with deep conviction. कि ये सुसमाचार थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के पास एक गहरे कायलपन के संग आया. Now, what does that mean? इसका क्या मतलब है? Paul was not like those promoters of products and ideas. पौलुस उन लोगों के समान नहीं था जो वस्तुओं और विचारों को बढ़ा चढ़ा कर बताते थे या उनके बारे में बातों को फैलाते थे. And even these promoters may not know that much of what they say is a pure fabrication. और यहाँ तक कि वे लोग भी जो ऐसा करते हैं, वे भी उस वस्तु के विषय में उतना ना ज्ञान ना रखते होंगे. And when he preached the gospel, और जब उसने सुसमाचार का प्रचार किया, he did so with full confidence. उसने बड़े हियाव के संग ऐसा किया. He was so sure और वो इतना of the truth of his message. और वो अपने संदेश की सच्चाई को लेकर इतना सत्य था. The Thessalonians knew that Paul and Timothy and Silas backed up their message by the way they lived among the people. और पौलुस जानता था कि कैसे वहां पर उनसे प्रचार करना है और अपने संदेश के द्वारा पौलुस, सिलास और तिमोथी उसने उस बात की स्थापना करी. Now that is very very important. और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है. The preachers of the gospel must live the gospel. और वो सुसमाचार
जो कर, का प्रचार जो करते हैं उन्हें भी सुसमाचार के अनुसार जीना है. And when they live the gospel, और जब वो सुसमाचार को जीते हैं, the gospel will take deep root in the hearts and lives of the listeners. तब वो सुसमाचार उनके हृदयों में, उनके जीवनों में एक गहरी जड़ पकड़ लेता है. Because that means, क्योंकि इसका ये मतलब है, the preachers believe. What they are preaching. क्योंकि प्रचारक वो विश्वास करते हैं जो वो प्रचार कर रहे हैं. And they knew what they were preaching. और वो ये जानते हैं कि वो क्या प्रचार कर रहे हैं. And they have experienced the life-transforming power of the gospel themselves. और उन्होंने उस समाचार के जीवन बदल देने वाले सामर्थ को खुद अनुभव किया है. And therefore, और इसलिए, they knew the character of these men by their kindness towards the Thessalonians. और इसलिए वो इन लोगों के चरित्र को जानते थे जो जिन्होंने इस प्रकार की नम्रता को थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के प्रति दिखाया. Their kindness. उनकी नम्रता. And the believers were the first. The first concern of these preachers. और विश्वासी इन प्रचारकों का पहला चिंता था. The people to whom they were preaching. और वे लोग जिनको वो प्रचार सुनाते थे. They were the first concern. वे उनकी पहली चिंता थी. They were passionate about the people who were listening. और वो बड़े जुनून के संग उन लोगों के बीच उस प्रचार को रखते थे जो सुन रहे थे. Their unselfishness and which others could see. और उनकी स्वार्थहीनता जो वो दूसरों के प्रति रखते थे उस बात को देखा जा सकता था. Paul therefore was sure of his message. और इसलिए पौलुस अपने संदेश को लेकर बड़ा सत्य था और बड़ा सुनिश्चित था. He knew what he preached about. और उसे पता था कि उसने किस विषय में या किस बात के विषय में प्रचार किया है. So Paul's preaching was powerful. और इसलिए पौलुस का सुसमाचार सामर्थी था. And in its effect and confident in its presentation. और उसके उसकी प्रस्तुतिकरण में, उसके सुनाने में वो सामर्थ के संग आगे गया. See, I am talking about how much we need to be careful not only in the preparation but preparing our own lives that these listeners will watch. और देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस विषय में कि कैसे एक को बड़ा सावधानी के संग उस समाचार का प्रचार करना है, ना केवल वे जो सुनते हैं लेकिन जो प्रचार करते हैं. So the gospel came to the Thessalonians in words and with words. और इसलिए याद रखिए, थिस्सलुनीकियों के नगर के लोगों के पास वो सुसमाचार वचन के साथ और वचन में आया. And the gospel came to them with power. और वो सुसमाचार उनके पास सामर्थ के साथ आया. And then with deep conviction. और उसके संग बड़े गहरे कायलपन के संग. And fourthly, और चौथी बात, the gospel came to the Thessalonians with the Holy Spirit. कि वो सुसमाचार पवित्र आत्मा के साथ उनके पास आया. The truth of the word, वो वचन का सच्चाई, the conviction with which we speak it, और उस कायलता के संग, उस कायलपन के संग जिसके संग हम उसको बोलते हैं, and the power of its impact on others, और उसके सामर्थ का प्रभाव जो हम दूसरों पर देखते हैं, all come from the Holy Spirit. ये सब पवित्र आत्मा से आता है, not from human mind, ना कि मानवीय मन से. It is the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा है, who enables the speakers or preachers to present it under the anointing of the Holy Spirit. जो उन प्रचारकों को परिपक्व बनाता है कि वो उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में उसको सामने रख पाए. And then it is the Holy Spirit who convicts the listeners. और ये उसके बाद पवित्र आत्मा ही है जो सुनने वालों को कायल करता है. And when the preaching of the gospel is done with the preacher's own practical life. और जब प्रचारक अपने जीवन से उस समाचार का प्रचार करता और दिखाता है, Because they were living the gospel they were preaching. क्योंकि वे उस समाचार को जी रहे थे जिसका प्रचार वो कर रहे थे. And so, the conviction, और इसलिए वो कायलपन, and the power of the message, और वो संदेश का सामर्थ, they
all come from the Holy Spirit. ये सब पवित्र आत्मा से आता है. And the Holy Spirit also illumines our minds. और पवित्र आत्मा साथ ही साथ हमारे मन को प्रकाशित भी करता है. So that we rightly divide the word. ताकि हम सही रीति से वचन को बांट सकें. With integrity and clarity. और बड़ी सच्चाई और बड़ी सरलता और बड़े स्पष्टता के साथ. The truthfulness must be kept. In our own life. उस सच्चाई को हमें अपने जीवनों में बनाए रखना है. And when we preach it with integrity and clarity. और जब बड़ी सच्चाई और स्पष्टता के संग हम उसका प्रचार करते हैं. And the Holy Spirit working in the hearts of the listeners. और जब पवित्र आत्मा उन सुनने वालों के जीवनों में कार्य करता है. The Spirit, the Word is the Spirit's sword which penetrates the conscience. And the mind and will and conscience of people. तब वो वचन ही आत्मा का तलवार है जो लोगों के भीतरी व्यक्तित्व भावनाओं और उनकी इच्छा शक्ति को भेदता है. And his or the preacher's inward witness assures us. Of its truth. और प्रचारक या सुसमाचार सुनाने वाले का भीतरी गवाही इस बात को दर्शाती है. So that we will preach it or preach the gospel with deep conviction. ताकि हम बड़े गहरे कायलपन के संग उस सुसमाचार का प्रचार करें. And it is the Holy Spirit who carries the message of the gospel with power. और ये तो पवित्र आत्मा ही है जो सुसमाचार के संदेश को सामर्थ्य के संग लेके जाता है. And conviction and clarity of the gospel with power. और वो कायलपन और वो स्पष्टता पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है. And they preach it with deep conviction and clarity so that the hearts respond to it with repentance, faith. And obedience. और वो बड़े गहरे कायलपन और आत्मा के सामर्थ्य के साथ उसका प्रचार करते थे ताकि वे जो सुने वो कायल हों और उसे ग्रहण करें. Here then, और इसलिए यहां पर there are three great characteristics of all authentic preaching. और यहां पर तीन ऐसे गुण हम देखते हैं जो सच्चे प्रचार के हैं. ट्रूथ, पहला सच्चाई. कन्विक्शन, तीसरा दूसरा कायलपन. एंड पावर, और तीसरा सामर्थ. ऑल थ्री स्प्रिंगिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट. ये तीनों पवित्र आत्मा से निकलते हैं. पॉल देन एड्स टू दिस, यू नो हाउ वी लिव्ड अमंग यू. और पॉलुस इस बात को आगे बढ़ाते और इसमें जोड़ते हुए ये कहता है कि क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच कैसे रहे. What they proclaimed, the Thessalonians witnessed. और जिस बात की घोषणा उन्होंने की उसको उन्होंने थिस्सलुनीका के विश्वासियों ने देखा. In other words, दूसरे शब्दों में, What these three servants of God proclaimed to the Thessalonians witnessed in the lives of these preachers. और जिन तीन परमेश्वर के प्रेरितों या दासों ने जिस बात की घोषणा इन विश्वासियों के बीच करी, उन सारे विश्वासियों ने उन सारी बातों को इन तीनों प्रेरितों के जीवन में देखा. They heard and saw the gospel. उन्होंने सुसमाचार को देखा और सुना. And they heard it from the apostles. और उन्होंने प्रेरितों से इसे सुना. And they saw it in the apostles. और प्रेरितों में देखा इस बात को. So the gospel we declare. और इसलिए वो सुसमाचार जिसकी घोषणा हम करते हैं. Is a gospel that can be heard and also that can be seen. वो एक ऐसा सुसमाचार है जिसे सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है. Hallelujah. Hallelujah. That is the power of the gospel. और ये है सुसमाचार का सामर्थ्य. And so the preachers must take care. और इसलिए प्रचारकों को ये सावधानी बरतनी है. That we live our lives what we preach. हमें अपने जीवनों को वैसे जीना है जैसा हम प्रचार कर रहे हैं. This is something that I always pray for myself. और इसी ये एक ऐसी बात है जिसके लिए मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता रहता हूँ. Lord, let my life be my preaching.
कि हे परमेश्वर होने दे मेरा जीवन ही मेरा प्रचार हो and let my preaching be my life. और मेरा प्रचार मेरा जीवन हो because then only the complete effect take place. क्योंकि तभी एक संपूर्ण प्रभाव आएगा and may God grant us. और होने दे परमेश्वर हमारी सहायता करे that our lives will show what we claim. ताकि हमारे जीवन ये दिखाने पाए जिसका दावा हम करते हैं. Let us not be victims of this criticism. और होने दें हम लोगों की आलोचना करने में ना पड़ जाएं. The gospel preachers preach and they talk too much, but they don't practice what they preach. और वो लोग सुसमाचार के प्रचारक प्रचार तो बहुत करते हैं, बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जो वो प्रचार करते हैं उसके अनुसार चलते हैं. May the Holy Spirit dwell in us. होने दे पवित्र आत्मा हमारे भीतर अपना वास करे. Keep on working in our lives. और हमारे जीवनों में निरंतर कार्य करे. That our lives will be the message. ताकि हमारे जीवन संदेश बन जाए. Lord, we need the Holy Spirit. परमेश्वर हमें तेरा पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. And we pray that the Spirit of God will move mightily in our own life. और हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवनों में बहुतायत से काम करे. So that when we proclaim the gospel, ताकि जब हम तेरे सुसमाचार का प्रचार करें, the people will see the gospel working in our own life. तब लोग हमारे जीवनों में उस समाचार को के चलन को देखने पाए. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. This is a great day, my friend. मेरे प्रिय मित्र, एक महान दिन है. Be a good witness for Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छे गवाह ठहरें. Preach the gospel. सुसमाचार का प्रचार करें. And let the listeners of your preaching see the gospel at work in your own. होने दे आपके प्रचार के जो सुनने वाले हैं वो आपके जीवन में सुसमाचार को देखने पाए. आमेन.